नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद के उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। भारत सरहदी मसाइल को हल करने का मुकम्मल तौर पर अहल। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, भारत जानता है कि इश्तियाल अंगेजी करने वालों को कैसे देना है जवाब। वज़ीर आज़म ने कहा, इस साल भारत को कई मसाइल का है सामना। अवाम से मायूस न होने, मन की बात प्रोग्राम में दिया मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव की 7 साला जयंती तहारीब का शानदार आगाज। चीफ मिनिस्टर KCR ने हैदराबाद में किया इफ्तिताह। ग्रेटर हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज। चीफ मिनिस्टर 3-4 दिन में करेंगे खताई फैसला। और मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 19,906 नए केसेस। मुतासरीन की जुमला तादाद 5,28,000 से तजावुज। सुर्खियों के बाद पेश है खबरों की तफसील। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख में भारत की सरजमीन पर बुरी नजर डालने वालों को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने आज मन की बात प्रोग्राम में कहा कि भारत दोस्ती भी निभाना जानता है और जरूरत पड़ने पर जवाब भी दे सकता है। पेश है ये रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में आज मुख्तलिफ मौजूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साल 2020 में मुल्क को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ताहम उन्होंने आवाम से कहा कि वो नाउमीद न हो। उन्होंने कहा कि मुल्क ने हमेशा ही मसाइल को मौके में तब्दील किया है। एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौती आए, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है। आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे, 130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ेंगे, तो यही साल देश के लिए नए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के संस्कार निस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। मोदी ने कहा, भारत दोस्ती के वादे को निभाता है और साथ ही उसके इलाके को हड़पने वालों को सबक सिखाना भी जानता है। लद्दाख में 20 हिंदुस्तानी सिपाहियों की शहादत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन बहादुर फौजियों ने कुर्बानी का जो जज्बा दिखाया है, उसे हर शहरी को अपनाने की जरूरत है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है। इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा, दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुसलसल कोशिशों के साथ भारत खुद कफील बनने के लिए अपना सफर जारी रखे हुए हैं। आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन से ज्यादा एहतियात अब अनलॉक के दिनों में करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शऊर बेदारी और एहतियाती इकदाम ही कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं
दो गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरूरी सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने हमारे तर्ज जिंदगी में कई तब्दीलियां लाई हैं और हमारे मुल्क की अदरक, हल्दी और दूसरी अशिया का इस्तेमाल एशियाई ममालिक और अमेरिका में भी बढ़ गया है। कोरोना वायरस ने निश्चित रूप से हमारे जीवन जीने के तरीकों में बदलाव ला दिया है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली इन चीजों का संबंध हमारे देश से है। हमें इनकी खासियत विश्व के लोगों को ऐसी सहज और सरल भाषा में बतानी चाहिए जिसे वे आसानी से समझ सकें और हम एक हेल्दियर प्लेनेट बनाने में अपना योगदान दे सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में मानसून का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मौसम में हर शहरी को माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की जरूरत है। प्रकृति एक तरह से बारिश के समय उनकी भरपाई करती है, रिफिलिंग करती है, लेकिन ये रिफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपनी धरती माँ का साथ दें, अपना दायित्व निभाएं। हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत मदद करता है। साथियों, इस बरसात में प्रकृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की, कुछ करने की पहल करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला योम पैदाइश तकारीब मुल्क भर में मनाई जा रही है। उन्होंने नरसिम्हा राव को खिराज अकीदत पेश किया। छोटी उम्र से ही श्रीमान नरसिम्हा राव अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में आगे थे। अपनी आवाज बुलंद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते थे। नरसिम्हा राव जी इतिहास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उनका आगे बढ़ना, शिक्षा पर उनका जोर, सीखने की उनकी प्रवृत्ति और इन सब के साथ उनकी नेतृत्व क्षमता, सब कुछ स्मरणीय है। मेरा आग्रह है कि नरसिम्हा राव जी के जन्म शताब्दी वर्ष में आम सभी लोग उनके जीवन और विचारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करें। मैं एक बार फिर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियां और मुझे दीजिए इजाजत। शब खैर। भारत सरहदी मसाइल को हल करने का मुकम्मल तौर पर अहल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, भारत जानता है कि इश्तियाल अंगेजी करने वालों को कैसे देना है जवाब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस साल भारत को कई मसाइल का है सामना। अवाम से मायूस न होने, मन की बात प्रोग्राम में दिया मशवरा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव की 7 साला जयंती तकारीब का शानदार आगाज। चीफ मिनिस्टर KCR ने हैदराबाद में किया इफ्तिताह। ग्रेटर हैदराबाद में दोबारा लॉकडाउन नाफिज़ करने की तजवीज़। चीफ मिनिस्टर 3-4 दिन में करेंगे खताई फैसला। और मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 19,906 नए केसेस। मुतासरीन की जुमला तादाद 5,28,000 से तजावुज़।